नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। एक कैलेंडर ईयर की बात करें तो यह 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के मामले में ऐसा नहीं होता। तो आइए आगे वीडियो में इन दोनों को और इनके बीच के अंतर को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का हिंदी में अर्थ होता है वित्त वर्ष, इसे शॉर्टकट में FY भी लिखा जाता है। फाइनेंशियल ईयर से अभिप्राय साल भर की उस अवधि से होता है जिसमें आप कमाई और खर्च करते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ब्रिटिश द्वारा 1867 में की गई, जबकि पहले इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 मई से 30 अप्रैल होता था। दूसरी तरफ अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर का हिंदी में अर्थ होता है आकलन या मूल्यांकन वर्ष। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से ठीक अगला वर्ष होता है। किसी वित्त वर्ष में आप जो भी कमाई करते हैं उसके कर का निर्धारण उसके अगले वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर में होता है। असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर की तरह 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो उसका असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा, क्योंकि 2019-20 में हुई आय और व्यय का मूल्यांकन अर्थात असेसमेंट 2020-21 में किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, खासकर तब जब ITR का मामला हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और शेयर मार्केट आदि से जुड़ी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।